महाराष्ट्र के महान संत श्री एकनाथ जी महाराज आज मेरी प्रोफाइल को महिमा मंडित कर रहे हैं। इनका जन्म लगभग 500 वर्ष पहले महाराष्ट्र के एक तीर्थ पैठण में हुआ था और इनके माता पिता बहुत ही महान भक्त थे। उन दोनों की भक्ति भगवान विट्ठल के चरणों में जो थी उसी के फल के रूप में श्री एकनाथ जी महाराज का जन्म हुआ था। माता पिता की भक्ति देख करके बच्चे के अंदर भी वही लगन लगी, बल्कि वो तो माता पिता से भी आगे निकल गए और इतना भगवान में मन लगा कि विट्ठल भगवान स्वप्न में दर्शन देने लगे। फिर विट्ठल भगवान ने स्वप्न में ही एकनाथ जी से कहा कि तुम जनार्दन स्वामी जो दत्तात्रेय जी के उपासक हैं उनके पास जाओ और उन्हीं को अपना गुरु बनाओ। भगवान की आज्ञा अनुसार एकनाथ जी जनार्दन स्वामी के चरणों में गए और स्वप्न की बात बतलाई जब तो जनार्दन स्वामी ने कृपा की और शिष्य बना लिया। दत्तात्रेय जी महाराज लीला करने लगे, कृपा करने लगे और उन्हीं की कृपा से इनको रामायण का ज्ञान हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया और मन भगवान से सीताराम जी के चरणों में लग गया। रामायण जब वो पढ़ते थे, गाते थे, गुनगुनाते थे तो राम कथा की सारी लीलाएं उनको दिखलाई पड़ती थी। उन्हें प्रेरणा हुई कि तुम मराठी में एक रामायण लिखो और उन्होंने मराठी में एक रामायण की रचना की जिसका नाम रखा भावार्थ रामायण। भावार्थ रामायण की कोई भी कथा जब वो लिखते थे तो सबसे पहले ठाकुर जी से प्रार्थना करते थे कि मुझे अपनी लीला का दर्शन कराइए प्रभु, जिससे मैं सुंदर ढंग से लिख सकूं। और फिर उनको भगवान श्री सीताराम जी की लीला का दर्शन होता था, रामायण की लीलाओं का दर्शन करके फिर वो मराठी में भावार्थ रामायण की रचना करते थे, उसके बाद भक्त लोगों को सुनाते थे। जब वो कथा सुनाते थे तो हनुमान जी का भी आह्वान करते थे। भक्त लोग तो आते ही थे, सुनते थे, लेकिन हनुमान जी भी सुनते थे। एक बार वो सुंदरकांड की कथा सुना रहे थे और बड़े भाव से भक्तों से बता रहे थे कि जब श्री हनुमान जी जानकी माता का दर्शन करने के लिए अशोक वाटिका में पहुँचे तो वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर सफ़ेद रंग के पुष्प थे, एकदम श्वेत सफ़ेद सफ़ेद बहुत सुंदर पुष्प थे। उनकी सुगंध बहुत ज़्यादा थी, आकर्षण भी बहुत थी, छवि बहुत सुंदर थी। भक्त लोग तो सुन रहे थे लेकिन हनुमान जी वेश बदल करके जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा महाराज पुष्प सफ़ेद रंग के नहीं थे, लाल थे। अब वो बड़े आश्चर्य से उनको देखने लगे। फिर इसके बाद जब सब भक्त चले गए तो एकनाथ जी ने पूछा कि आपको कैसे मालूम कि पुष्प सफ़ेद नहीं लाल थे। एकांत पाकर के हनुमान जी ने दर्शन दिया और बोले कि मैं हनुमान हूँ, मैं ही तो वहाँ गया था। अब तुम बताओ एकनाथ जी, तुम गए थे कि मैं गया था? एकनाथ जी बोले कि महाराज आप गए थे, आपने दर्शन किया था, लेकिन मैंने अभी अभी दर्शन किया है तो पुष्प लाल नहीं थे, सफ़ेद थे, इसलिए मैंने ऐसा लिखा ऐसा ही सुनाया। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं सफ़ेद नहीं थे, सब लाल थे। बोले कि अब हम लोगों के विवाद में निर्णायक कौन बने? तो हनुमान जी ने कहा जानकी माता से पूछते हैं। जानकी माता का आवाहन किया, जानकी जी ने दर्शन दिया दोनों भक्तों को और जानकी माता से दोनों लोग हाथ जोड़ के पूछे कि माँ आप तो अशोक वाटिका में बैठी थी, आप बताइए जब हनुमान जी गए थे तो वहाँ सफ़ेद रंग के पुष्प थे ना? एकनाथ जी ने कहा, जानकी जी मुस्कराई
बोले हनुमान तुम क्या कहते हो? हनुमान ने कहा माता सब लाल लाल फूल थे वहाँ। तो सीता बोली नहीं बेटा, न सफ़ेद थे न लाल थे, सब फूल नीले नीले थे। हनुमान जी और एकनाथ जी हंसने लगे, बोले माता आपने तो हम दोनों की बात ही गलत कर दी, आपने तो एक अलग रंग बता दिया। अब तीन विवाद हो गए, अब सच्चाई का पता कैसे चले? बोले राम जी से पूछते हैं। फिर राम जी का आवाहन किया गया, राम जी भी प्रकट हो गए, सबने प्रणाम किया। राम जी से प्रार्थना किया, प्रभु आप सच्ची बात बताइए, अशोक वाटिका में हनुमान जी जब जानकी मैया के चरणों में गए थे उस समय जो फूल खिले हुए थे, एकनाथ जी बोले मैं कह रहा हूँ सफ़ेद थे, हनुमान जी कह रहे हैं लाल थे, और माता जी कह रहे हैं कि सब नीले वर्ण के थे, आप कृपा करके बतलाइए कि कौन से रंग के फूल थे। मैंने तो रामायण की जो रचना की तो पहले दर्शन किया है, तो मुझे तो सब सफ़ेद दिखलाई पड़े हैं। तो राम जी हंसने लगे। राम जी ने हंस करके कहा एकनाथ जो कह रहा है वो ठीक है। तो जानकी जी आश्चर्य से देखी और हनुमान जी भी, प्रभु क्या हमारी बात झूठी है? सीता ने कहा प्रभु क्या मेरी बात झूठी है? बोले झूठी नहीं है, हनुमान जी जो कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं, और जो सीता कह रही वो भी ठीक कह रही। तब तो तीनों लोग बड़े आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे और प्रभु से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, महाराज तीनों की बात तो सच्ची नहीं हो सकती है, आप बतलाइए पुष्पों का रंग क्या था। भगवान ने कहा यथार्थ बात तो यह है कि पुष्पों का रंग सफ़ेद ही था। हनुमान जी ने कहा फिर मुझको लाल क्यों दिखलाई पड़े? राम जी बोले वो पुष्प जो थे तो सफ़ेद ही, लेकिन तुम सीता का दुख देख करके इतना क्रोधावेश में आ गए कि तुम्हारी आँखों में लालिमा फैल गई, खून चढ़ गया, इसलिए रक्त फैल गया तुम्हारी आँख में और उसकी लालिमा के कारण तुमको सब फूल जो थे सब सफ़ेद वाले फूल सब लाल दिख रहे थे। हनुमान जी उस समय तुमको क्रोधावेश था इसलिए ऐसा हुआ था, लेकिन फूल तो सफ़ेद थे। जानकी माता ने कहा हमको नीले क्यों दिखलाई पड़े? भगवान राम ने कहा कि तुमको तो एक केवल मन राम पद कमल लीन, भगवान के अर्थात प्रभु ने कहा कि मेरे रूप रंग में ही तुम लीन हो गई थी, मेरे रूप रंग में मेरे नाम में तुम इस तरह से लीन हो गई थी कि सब जगह केवल मेरा ही रंग तुमको दिखलाई पड़ रहा था, इसलिए फूलों में भी तुमको मेरा ही रंग दिखलाई पड़ रहा था। वास्तव में भक्त को इसी प्रकार से सर्वत्र भगवत दर्शन होना चाहिए, ठाकुर जी का ही रंग रूप दिखना चाहिए। जानकी जी का जो उस समय दृश्य था नेत्रों का, वो केवल ठाकुर जी के रंग रूप का ही था, इसलिए पुष्पों का रंग ऐसा दिखा। भगवान ने कहा कि तीनों लोग सत्य हो, सीता ने नीला देखा वो भी सत्य है, हनुमान ने लाल देखा वो भी सत्य है, और एकनाथ जी ने जो सफ़ेद देखा वो भी सत्य है, किंतु एकनाथ जी सामान्य अवस्था में दर्शन किए हैं, इसलिए उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आने पाया। इसलिए रामायण में उन्होंने जो लिखा है कि पुष्पों का रंग सफ़ेद था वो ठीक ही लिखा है, और इनकी बात सच्ची है, उसको काटा नहीं जाएगा, वो प्रामाणिक है। धीरे धीरे संत एकनाथ जी की कीर्ति पूरे महाराष्ट्र में फैल गई, भक्त तो लोगों को तो आनंद होने लगा, और जो जलने वाले ईर्ष्यालु लोग थे उन लोगों को परेशानी हो गई कि कहाँ से ये एकनाथ से पैदा हुए कि हर जगह इन्हीं की चर्चा है, हर जगह इन्हीं की जय जयकार हो रही है। कुछ चिढ़ने वाले लोगों ने जलन के कारण एक पठान को तैयार किया कि लोग बताते हैं कि इनको क्रोध नहीं आता है, किसी के ऊपर नाराज नहीं होते हैं, क्षमा की मूर्ति हो गए हैं। तो अब कुछ पैसे की लालच दिया पठान को कि जब ये गोदावरी से स्नान करके अपनी कुटिया के लिए आवें
तो बस उसी समय तू अपने घर के ऊपर की मंजिल से इनके ऊपर थूक देना, और जब इनको गुस्सा आ जाएगा तो हम लोग तुमको कुछ पुरस्कार देंगे, क्योंकि हर जगह प्रसिद्धि हो गई थी संत एकनाथ की कि इनको गुस्सा नहीं आता किसी हाल में भी। तो पठान तो भक्त था नहीं, वो तो तैयार हो गया, और जब गोदावरी से स्नान करके संत एकनाथ जी आ रहे थे तो उसने वही किया, ऊपर से खूब जोर से थूका उनके सिर पर ही। उन्होंने देख लिया कि किसी ने हमारे सिर पर थूका है, तो अपना पात्र लिए लिए गोदावरी जी वापस गए, और जा कर के बर्तन धोया, फिर से स्नान किए, फिर जल लेकर के चले, और जब उस जगह पहुँचे तो फिर उसी ने थूक दिया, फिर उसी तरह से बिना कुछ बोले बिना कुछ नाराज हुए वो चुपचाप वापस गए, और फिर स्नान किया, फिर जल लेकर के चले, और फिर उसने तीसरी बार भी थूक दिया, चौथी पांचवी बार, जब जब वो आए तो हर बार थूकता गया। और महाराज संत एकनाथ जी भगवान का भजन करते हुए प्रभु को सुमरते हुए फिर वापस चले जाते थे गोदावरी। सुबह से लेकर के शाम तक वो स्नान करके आते गए, वो पठान थूकता गया। मराठी भक्त लोग बतलाते हैं कि महाराज सुबह से शाम तक इस तरह से गोदावरी में स्नान कर कर के आते रहने से 108 बार चक्कर वो लगा चुके थे, और अब पठान थूकते थूकते थक चुका था, और भगवान की ऐसी कृपा उसके ऊपर हुई कि उसका हृदय बदल गया, वो चरणों में गिर करके रोने लगा, क्षमा मांगने लगा कि आप जैसे महान पुरुष को मैंने इस तरह से महाराज दुखी किया, थूक करके अपवित्र किया, अपराध पर अपराध किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। संत एकनाथ जी बोले, भैया तुमने कोई गलती किया ही नहीं तो माफ़ कैसे करूं? कोई गलती तुम्हारी नहीं तुम्हें माफ़ी करने वाली बात ही नहीं आती तो माफ़ कैसे करूं? बोला, महाराज मैंने तो बहुत गलती किया है। एकनाथ जी बोले, तुमने मेरे ऊपर कृपा की है, मेरे मन में बहुत दिन से चल रहा था कि कोई ऐसा पर्व आवे, कोई ऐसा दिन आवे कि मैं गोदावरी में 108 बार स्नान करूं, तो ऐसा कभी मौका बना नहीं। आज भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि गोदावरी में 108 बार स्नान किया और ठाकुर जी को पूजा किया। ये भगवान की कृपा थी कि तुम्हारे माध्यम से प्रभु ने कृपा की है? और वो तो रोए जा रहा है। फिर संत एकनाथ जी उसके सिर पर हाथ फेर करके बोले, तुम चिंता मत करो, प्रभु ने क्षमा कर दिया है, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। इसी तरह से एक चरित्र और प्राप्त होता है उनका, कि लोग जो चिढ़ रहे थे उनसे, उन लोगों को मालूम हुआ कि एक बहुत गरीब ब्राह्मण है, अपनी लड़की के लिए पैसा उधार मांग रहा है। तो कुछ चिढ़ने वालों ने कहा कि हम पैसा दे देंगे, लेकिन तुम जा कर के एक नाथ संत को किसी तरह से क्रुद्ध कर दो। तो उस गरीब ब्राह्मण ने पूछा कि हमको क्या करना होगा। तो ईर्ष्या लोगों ने कहा, जब वो पूजा कर रहे हों बस उसी समय तुम जाओ और जूता मत उतारना बाहर, जूता पहने पहने जाओ और उनके ऊपर चढ़ करके बैठ जाओ। वो बेचारा सोच नहीं पाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़की के लिए शादी के लिए पैसा मिल जाए इसी इच्छा से ऐसा करने को तैयार हो गया। और संत एकनाथ जी महाराज पूजा कर रहे थे, उसी समय वो गरीब ब्राह्मण जूता पहने पहन जा करके उनके ऊपर चढ़ करके गोद में बैठ गया। कितने महान विचित्र महापुरुष थे वे कि उन्होंने दोनों हाथ समेटा, उसको गोद में संभाल के बैठाया। उन्होंने कहा, अरे ये कहीं इनको चोट न लग जाए, गिर न जाए, अरे इनका भाव कितना, इतना ऊंचा इनका भाव है कि बेचारे मेरी गोद में बैठने के लिए जूता उतारना भी भूल गए, बैठिए बैठिए बैठिए। और इस तरह से बैठा करके उनको खूब खिलाए पिलाए, अपने हाथ से दक्षिणा भी दिया, और बोले कि और कुछ चाहिए तो बताइए, और जब जब आपका मन हो इसी तरह से आकर के मेरी गोद में बैठा करिए। तब उस ब्राह्मण के समझ में आया कि मैंने गलत किया है, वो क्षमा मांगने लगा और असली बात बताया
कि इन उन लोगों ने हमको आपके पास भेजा था और कहा था कि इस तरह से जूता पहने पहने बैठ जाना, चढ़ जाना उनके ऊपर। और उन लोगों ने कहा था कि यदि एकनाथ जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने तुमको गाली दे दिया या डंडा मार दिया, तो हम लोग तुमको खूब पैसा देंगे। एकनाथ जी ने कहा, अरे भाई मुझे तो ये पता नहीं था कि हमको ये पता नहीं था कि तुमको खूब धन मिलेगा हमारे गुस्सा करने से, नहीं तो हम तो जानबूझकर नाटक कर देते गुस्सा करने का, ऐसे झूठ मूठ कर गुस्सा कर देते, तुमको खूब पैसा मिल जाता, कन्या की शादी हो जाती। अब क्या करें, वो तो हमको पता नहीं था इसलिए गुस्सा तो हम कर नहीं पाए, चलो मेरे पास जो है वही लेके जाओ। उन्होंने पैसा दिया और बाहर निकलने पर जब उन्होंने सब बात बताया जिन लोगों ने भेजा था उनको, तो वो सब बोले कि कितने आश्चर्य की बात है, वो भी आकर के एकनाथ जी से माफ़ी मांगे। सब लोगों ने उस गरीब ब्राह्मण को पैसा दिया और ये कथा भी प्रसिद्ध हो गई कि महाराज एकनाथ को किसी हाल में भी कभी क्रोध नहीं आता, भगवान के ध्यान में ही बैठे रहते हैं, राम कथा सुनाते रहते हैं, भावार्थ रामायण की कथा सुनाते रहते हैं। श्री राधे राधे।